हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी घुड़चढ़ी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चिराग से, जिसका अंडरगारमेंट्स का स्टार्टअप है। अब चिराग की फैमिली की बात करें तो चिराग की फैमिली में मेन थी उसकी दादी कल्याणी देवी, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो वही चिराग के पापा वीर शर्मा एक रिटायर्ड कर्नल थे और अभी वो अपने एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे। तो वही चिराग की माँ का नाम अमृता है, लेकिन जब चिराग छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। साथ ही चिराग की स्नेहा नाम की बहन है, जिसकी शादी हो गई थी और अब सभी घर वाले चाहते थे कि चिराग भी शादी कर ले। तो वही चिराग का एक दोस्त है जिसकी लव मैरिज होने वाली थी और उसी की वजह से उसके दोस्त के पापा काफी उदास थे, क्योंकि उन्हें दहेज नहीं मिल रहा था। तो वही चिराग के स्टार्टअप की बात करें तो चिराग मेंस अंडरवियर बनाता है और उसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। अब अगले दिन चिराग को लड़की वाले देखने आते हैं और उन्हें चिराग का घर सब कुछ बहुत पसंद आता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चिराग अंडरवियर बेचता है और वो शादी के लिए मना करके चले जाते हैं। अब ये बात सुनकर चिराग के घर वाले भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अंडरवियर पहन सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते। इसलिए वो चिराग से कहते हैं कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे, उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। जिसके बाद चिराग अपने फ्रेंड की शादी में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दुल्हन की फ्रेंड देविका से होती है। चिराग को पहली नज़र में देविका से प्यार हो गया था, तो वही देविका भी चिराग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। जिसके बाद अगले दिन चिराग जब अपने एक डील फिक्स करने के लिए ऑफिस में जाता है तो उसे पता चलता है कि देविका वहाँ की सेल्स मैनेजर थी। चिराग अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे बताने लगता है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, साथ ही देविका को चिराग का प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए वो चिराग की डील फाइनल कर देती है और साथ ही चिराग से कहती है कि डील की खुशी में अगर चिराग चाहे तो वो उसे डिनर पर ले जा सकता है। जिसके बाद चिराग देविका को पराठे खिलाने लेकर जाता है। एक्चुअली देविका पंजाब से थी और वो कुछ दिनों पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुई थी। अब चिराग और देविका एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। तो वही हम मेनका को देखते हैं, जो रोड पर किसी के साथ लड़ रही थी। तभी वहाँ पर वीर आता है और वीर और मेनका एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में मेनका वीर की पड़ोसी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद वो साथ ही कॉलेज में गए। कॉलेज के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन जब ये बात कल्याणी देवी को पता चली तो वो उस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि वीर एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता था तो वही मेनका पंजाबी थी और कल्याणी देवी के लिए उनकी कास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो वीर को शादी की परमिशन नहीं देती। तो वही वीर भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात जब मेनका को पता चलती है तो वो लोटा जोर से फेंकती है, जो कि कल्याणी देवी को जाकर लगता है, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो वही मेनका को जेल हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मेनका छूट गई थी, जिसके बाद वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी। जिसके बाद वीर की माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती अमृता के साथ करवा दी थी। 30 साल बाद वीर और मेनका मिल रहे थे, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि आज भी उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। मेनका वीर को बताती है कि वो सिंगल मदर है। अब ये बात सुनने पर वीर मेनका का नंबर ले लेता है ताकि वो उसे बाद में मिल सके। जिसके बाद मेनका अपने सैलून चली जाती है। वहां पर उसकी एक फ्रेंड थी जो कि टैरो कार्ड रीडर थी। वो मेनका को बताती है कि मेनका की लाइफ में कोई खास आने वाला है और अगर वो मेनका की लाइफ में आ चुका है तो मेनका उसके साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। अब ये बात सुनकर मेनका कुछ सोच में पड़ जाती है कि तभी वहाँ पर देविका आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका मेनका की बेटी थी। वो दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर देविका को ब्लश करता हुआ देखकर मेनका समझ जाती है कि देविका की लाइफ में कोई खास आ गया है, जिस पर देविका कहती है कि वो वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगी। अब देविका और चिराग का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था और वो दोनों एक पब में जाते हैं। जब देविका वॉशरूम में जाती है और चिराग अकेला बैठा था कि तभी वहाँ पर वीर और मेनका आते हैं। वीर जब चिराग को देखता है तो वो जानबूझकर मेनका के ड्रेस पर ड्रिंक गिराता है ताकि वो वॉशरूम जाए। जब मेनका वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर देविका थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड थे। यहाँ पर देविका मेनका को बताती है कि वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। तो वही मेनका कहती है कि वो किटी पार्टी के लिए जगह देखने के लिए आई थी। तो वही वीर भी चिराग से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर चिराग कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। वो जब चिराग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो वीर उसे झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था,
जिसके बाद चिराग वहां से निकलने लगता है, तभी वहां पर देविका आती है और वो दोनों ही उस पब से चले जाते हैं। जिसके बाद मेनका भी वीर के पास आती है, लेकिन वो काफी टेंशन में थी क्योंकि वो देविका से इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तो वही हम चिराग को देखते हैं जो देविका के कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर देविका काफी टेंशन में थी। वो उसे काफी मैसेजेस भी करती है, लेकिन चिराग उन्हें आंसर नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन चिराग देविका को ऑफिस छोड़ने आता है, लेकिन वो अभी भी देविका से बात नहीं कर रहा था, जिससे देविका काफी ज्यादा टेंशन में थी। लेकिन ऑफिस पर आने पर चिराग देविका को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये सुनने के बाद देविका काफी खुश थी और वो चिराग को हाँ कहती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी अपने घर वालों को भी बताएंगे। तो वही हम वीर और मेनका को देखते हैं जहाँ वीर मेनका को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन ये बात सुनकर मेनका काफी शॉक थी क्योंकि वो जानती थी कि कल्याणी उनकी शादी के लिए नहीं मानेगी, पर वीर उससे वादा करता है कि इस बार वो उसका साथ देगा। वीर मेनका से कहता है कि जिंदगी ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है और इसे उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब ये बात सुनने पर मेनका भी शादी के लिए हाँ कहती है, जिसके बाद वीर मेनका से कहता है कि कल वो उसके घर आ जाए। तो वही वीर रात को कल्याणी से कहता है कि कल लड़की वाले आने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद कल्याणी को लगता है कि कल लोग चिराग को देखने के लिए आने वाले होंगे, इसलिए वो अपनी तैयारियों में लग जाती है। तो वही मेनका भी देविका से झूठ बोलती है कि वो उनके एक पुराने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेनका वीर के घर आती है और कल्याणी उसे देखती है, तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो मेनका से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई, क्या उसने अभी भी उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। तब वीर कल्याणी से कहता है कि वो और मेनका शादी करना चाहते हैं और ये बात सुनकर कल्याणी काफी गुस्सा थी कि वो दोनों इस उम्र में शादी करना चाहते हैं, वो भी इंटरकास्ट मैरिज। वो वीर को काफी बातें सुनाने लगती है और मेनका को भी बहुत बुरा भला बोलती है, जो सुनकर देविका गुस्सा हो जाती है और वो भी कल्याणी को काफी बातें सुनाती है। तभी वहां पर चिराग भी आता है और वो भी उन्हें देखकर काफी शौक था। तब चिराग को पता चलता है कि उसके पापा देविका की माँ से शादी करना चाहते हैं और ये बात सुनकर चिराग और देविका दोनों ही काफी शौक थे। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। साथ ही वो अपने मम्मी पापा से भी काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले उन्हें नहीं बताया था। देविका तो मेनका से बात करना बंद कर देती है, तो वही चिराग भी वीर के साथ कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा था। साथ ही कल्याणी भी वीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वीर कहता है कि उसने अपनी माँ की हर बात मानी है, लेकिन अब वो अपने लिए जीना चाहता है, इसलिए वो मेनका के साथ शादी जरूर करेगा। तो वही देविका भी मेनका से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि देविका को लगता है कि उसकी माँ ने कभी उसके पापा से प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि उनके घर में ना ही देविका के पापा की फोटो थी, ना ही उनके बारे में कभी मेनका कोई बात करती थी, इसलिए देविका मेनका से बहुत ज्यादा नाराज थी। तो वही चिराग भी काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि वो देविका के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसके पापा की वजह से देविका उसकी बहन बनने वाली थी और इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान था। तभी चिराग की बहन चिराग को समझाती है कि उन्हें अपने पापा का साथ देना चाहिए क्योंकि उनके पापा ने इतने सालों तक अकेले उन दोनों को संभाला था, जिस पर चिराग कहता है कि वो अपने पापा का साथ जरूर देता, लेकिन वो देविका से प्यार करता है और उसके पापा देविका की माँ से। अब ये सारी बातें कल्याणी और वीर सुन लेते हैं। जब कल्याणी को पता चलता है कि चिराग भी देविका से प्यार करता है, तो वो चिराग से भी नाराज हो जाती है क्योंकि चिराग ने भी दूसरे कास्ट वाली लड़की से प्यार किया था, जिसके बाद वीर भी समझ गया था कि चिराग उससे इतना नाराज क्यों था। अब वीर ये सारी बात मेनका को बताता है और ये सुनने के बाद मेनका भी काफी शॉक थी कि देविका और चिराग एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि मेनका को पता था कि देविका किसी से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का चिराग होगा ऐसा उसने नहीं सोचा था। जिसके बाद मेनका डिसाइड करती है कि वो उनके प्यार के बीच में नहीं आएगी, इसलिए मेनका देविका से कहती है कि वो वीर के साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देविका की खुशी थी। अब ये सुनने के बाद देविका बहुत खुश थी और वो जाकर ये बात चिराग को बताती है। चिराग को जब पता चलता है कि मेनका वीर के साथ शादी नहीं करेगी, तो वो भी काफी खुश था और वो देविका से कहता है कि वो दोनों कल ही शादी कर लेंगे ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही हम वीर और मेनका को देखते हैं जो यही सब डिस्कस कर रहे थे कि वो आगे क्या करें। तभी मेनका वीर को बताती है कि देविका उसकी बेटी नहीं है। एक्चुअली जब मेनका दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी, तो उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी, लेकिन शादी के बाद मेनका को पता चला कि उसके हस्बैंड की पहली शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बेटी भी थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था।
शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसका पति और उनकी पहली वाइफ मारी गई। लेकिन किसी तरह से 6 महीने की देविका बच गई थी, जिसके बाद मेनका ने देविका को अपना लिया और उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। मेनका कहती है कि अगर वीर और वो शादी कर भी लेते हैं तो भी मेनका और चिराग भाई बहन नहीं बनेंगे, लेकिन वो देविका को नहीं बता सकती कि वो उसकी बेटी नहीं है। अब जब मेनका और वीर ये सारी बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ट्रक आता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेनका और वीर दोनों को ही काफी चोट लगी थी। वहां पर दोनों की फैमिली आ गई थी और सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे। चिराग जब अपने पापा की हालत देखता है तो उसे सब कुछ याद आता है कि किस तरह उसके पापा ने उसका ख्याल रखा था, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देगा। तो वही देविका को पता चलता है कि उसकी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें एक डोनर की जरूरत थी। मेनका की फ्रेंड कहती है कि वो अपनी किडनी डोनेट करेगी, लेकिन देविका कहती है कि अपनी माँ के लिए वो अपनी किडनी डोनेट करेगी, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि वो बेटी की टेस्टिंग पहले करेंगे क्योंकि वो माँ बेटी है तो उनका DNA जल्दी से मैच हो जाएगा। लेकिन जब देविका की टेस्टिंग होती है तो डॉक्टर बताते हैं कि देविका और मेनका का DNA मैच नहीं हुआ, और ये सुनने के बाद देविका काफ़ी शॉक थी। तो वही डॉक्टर को दूसरा डोनर मिल गया था, इसलिए वो उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो वही देविका यही सोच रही थी कि उसका DNA मेनका के साथ मैच क्यों नहीं हुआ। तो मेनका की दोस्त उसे सब कुछ बता देती है और देविका समझ जाती है कि वो मेनका की सगी बेटी नहीं है, जिसके बाद वो मेनका से जाकर बात करती है और अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगती है। वो मेनका से कहती है कि उसने अपनी माँ को देखा भी नहीं, इसलिए मेनका ही उसकी माँ है और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वही हम कल्याणी को देखते हैं, जिसकी दोस्त उसे मिलने आई थी। वो बताती है कि उसका बेटा उसे काफ़ी परेशान करता है, हमेशा हर बात के लिए अपनी बूढ़ी माँ से पैसे लेता है। अब ये सब सुनने पर कल्याणी समझ जाती है कि वीर उससे कितना प्यार करता है। वीर ने आज तक अपनी माँ की हर एक बात मानी थी। अब ये सब सोचकर कल्याणी इमोशनल हो जाती है और वो समझ जाती है कि वीर को भी अपनी खुशी चुनने का हक है, जिसके बाद वो फाइनली उनकी शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और देविका और चिराग की शादी, साथ ही मेनका और वीर की शादी भी एक ही दिन पर हो जाती है, और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी घुड़चढ़ी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।